हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आया था बांद्रा बैंड स्टैंड घूमने आया था। इधर वर्ली सेरी बिली ब्रिज था, अपना गैलेक्सी अपार्टमेंट था और शाहरुख खान सर का मन्नत हाउस। आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ चल के, वीडियो के एंड तक बने रहें, ए टू जेड दिखाता हूँ आपको अंदर से बाहर तक। ये इधर सर्कल से आएंगे तो इधर से BST बस भी इधर ही से जाती है। AC है और नॉन AC है और एक स्पेशल AC है। जो नॉन AC का है वो बांद्रा स्टेशन से 5 रुपया है और AC का 6 रुपया है। जो स्पेशल है उसका कुछ 40 या 50 रुपया है। और ये देखो, ये सलमान सर का गैलेक्सी अपार्टमेंट है जो फोटो खींच रहे सब लोग। एक सलमान खान का हाउस गैलेक्सी अपार्टमेंट्स सामने है। उधर से अपने जो उनके मतलब सबको उधर से सुबह हाथ दिखाते हैं सब लोग को। और चलता हूँ आगे, आपको दिखाता हूँ चल के। ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है इधर, डीमार्ट भी उसके नीचे। जहाँ तक ये मतलब यहाँ का देखो नज़ारा देखो भाई, क्या बोलने का यार, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। मतलब देख के मतलब दिल खुश हो जाता है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे आपको ये देखो BST बस का बस स्टॉप है। मतलब किधर से बैठोगे तो 5 रुपया ही देना है, 5 रुपया 6 रुपया। जो अपना VIP बस है उसका 30-40 रुपया है। तो ये देखो यहाँ पे पूरा नारियल का झाड़ लगा हुआ है आजू बाजू में। मतलब बहुत अति सुंदर मतलब प्लेस बनाए हैं यहाँ पे घूमने के लिए और बैठने उठने के लिए। मतलब सब ज़बरदस्त, मतलब सब लोग आते हैं, गांव से जो आते हैं वो तो घूमने आते ही हैं, क्योंकि उन लोग का सपना होता है बांद्रा बैंड स्टैंड जाना, जुहू बीच जाना और मरीन लाइन जाना और इंडिया गेट जाना, ताज होटल जाना। मतलब बहुत प्लेस है, गिरीगांव चौपाटी हो गया अपना, गिरीगांव चौपाटी हो गया, ये अपना क्या बोलते हाजी अली हो गया, और ये अपना वर्सोवा बीच हो गया। मतलब बहुत सुंदर अति सुंदर मतलब घूमने के प्लेस हैं। ये देखो यहाँ पे देखो सब कपल बैठे हैं, ज़बरदस्त सब इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये मांगने वाले हैं, ये लोग सब लोग यहाँ मांगने आते हैं लोग। मतलब बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ का। और ये देखो आगे ताश खेल रहे हैं। मतलब भाई यहाँ पे आना तो सावधान हो के आना, क्योंकि इनके 30-35 बंदे होते हैं, तुमको हाथ दे के बुलाएंगे और जाओगे तो तुम मतलब 500 रुपये तुमको देंगे पहले हाथ में, और जैसे खेलना चालू करोगे अरे हाँ और मिलेगा, फिर तुमको जाने नहीं देंगे खेल, फिर तुम्हारा फोन पर्स जितना तुम्हारा सब ले, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पे आपको। इसके लिए कभी भी आए मतलब 3-4 ग्रुप रहते हैं यहाँ पे, पुलिस आती है तो लेकिन सब चले जाते हैं, सब आजू बाजू हो जाते हैं, लोग को मालूम रहता है ना, और जैसे पुलिस जाएगी उसे फिर चालू कर देंगे। मतलब जो गांव से भोले भाले आदमी लोग आते हैं उन लोग को लूटते हैं दबा के, ये लोग ज़बरदस्त लूटते हैं, क्या बोलेगा। ये यहाँ पे देखो ये बच्चे लोग का खेलने के लिए है पूरा, मतलब सब लोग बच्चे लोग के लिए झूला वूला लगा के रखे हैं यहाँ पे साइड में, सब कोई भी कर सकता है एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पे सुबह आते सब लोग और जो बच्चे लोग झूलने के लिए, मतलब नारियल का झाड़ और खजूर का झाड़, बहुत पेड़ ज़बरदस्त हैं भाई, एक नंबर, मतलब क्या बोलेगा। आओगे ना कभी, आने का कभी भी आने का, मतलब एक बार आने का इधर पे, बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे आधा एक किलोमीटर की दूर पे बच्चे लोग के लिए सब लगा के रखे, और यहाँ पे आप लोग के लिए मतलब यहाँ पे आप रेस्ट मारने के लिए आराम करने के लिए कर सकते, क्योंकि आगे साइड आराम करने के लिए नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पूरा समंदर बहुत भीड़ रहता है वहाँ पे यार, पूछो मत। एक मतलब कहने क्या, यहाँ पूरा यहाँ से स्टार्ट होता है ना इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे आगे वो मन्नत है ना, जिसके लिए उधर मतलब पूरा फुल पैक रहता है पूछने के। घूमने के बाद यहाँ पे आराम करने के लिए मतलब बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, मतलब बैठने के लिए देखो सब चाचा लोग बैठे हैं, दीदी लोग बैठी हैं, आंटी लोग चल रही हैं, देखो मार रही हैं सब लोग। और यहाँ पे आने का मतलब घूमने का अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। और दिखाता हूँ चल के आगे सामने जी, ये यहाँ पे मतलब
जो वेस्टर्न लाइन बोलते हैं इसको, यहाँ पे आओगे ना तो मतलब पूरा पॉश इलाका है यहाँ पे। आपको एक्टर और क्या बोलते बिजनेसमैन बड़े बड़े यहाँ पे बहुत रहते। अभी इधर एक टावर बनना था और नाम भूल गया सॉरी, क्योंकि उसका हैंड ओवर हो गया। उसमें मतलब 6 लोग के लिए था भाई, कुछ 300 करोड़ का कुछ तो था उसमें। उसमें दो दो सलमान सर का था और मतलब बिजनेसमैन लोग के थे। बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। ये देखो स्टैचू देखो कितना ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त स्टैचू है ये। क्या ज़बरदस्त जस्त स्टैचू है ये, पूछो मत। यहाँ पे क्या है, जो आंटी रहती है ना वो भी मतलब क्या बोलेगा यार, मतलब बोलने में शर्म आती है। मतलब शकल आँख आँख अंदर घुसी जा रही, लेकिन क्या कुछ बोल नहीं सकते यार, अभी क्या बोलेगा। तो यहाँ पे देखो सब मतलब बैठे हैं यहाँ पे। मतलब आपको छोटे छोटे मतलब दुकान वाले मिल जाएंगे जो छल्ली उल्ली बेचते हैं, मतलब अपने यहाँ भुट्टा बोलते हैं, यहाँ पे छल्ली बोलते हैं। 40-50 रुपये का एक छल्ली देते हैं भूज के, नमक मक लगा के मस्त। मैं भी गया था अपना बीका जी का पाव भाजी खाने, 130 का था प्लस GST। वो अगले वीडियो में डालूंगा, दिखाता हूँ मतलब। लेकिन टेस्ट था भाई, क्या बोलने का, मतलब टेस्ट था। ये देखो सब यहाँ पे देखो, सब लोग घूम रहे हैं। मतलब क्या है कि दिन में सॉरी 10 से 11 और 12 के बीच में पानी बढ़ता है, और शाम को फिर 12 के बाद घट जाता है, फिर उसके बाद फिर 6 बजे के शाम के रात के बाद। ये देखो ये जो सीमेंटेड ब्लॉक है ना यहाँ पे, इसके लिए लगाते हैं कि मतलब कोई मतलब पानी बढ़ता है ना तो मतलब रोड के किनारे मतलब लहरें आती है ना बड़ी बड़ी, तो इसके लिए ब्लॉक डाल देते हैं। तो जो लहर आती है तो ये लहर को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ ब्लॉक में तो भाई और ही कुछ होता है। यहाँ पे आओगे तो सब चालू रहता है, मतलब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। कोई भी रहे मतलब कोई शर्म के नाम की चीज़ ही नहीं है यार, क्या बोलेगा। एक बार तो इधर ही समंदर में ही नहाने आए थे, एक लड़का था 2 लड़के थे भाई, बोल के कुछ मतलब थोड़ा भी मतलब ये नहीं कि कौन है क्या है, बाप के उम्र के हैं माँ के उम्र के हैं, पानी में चालू हो गया सब कुछ, कुछ बोल गया। हम बोल भी नहीं सकते ना गांव में, क्या दे चालू हो जाता है रबा रब रबा रब। यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकते, कोई कुछ भी करे, नंगा घूमे चड्डी पहन के घूमे कुछ भी घूमे, आप कुछ नहीं बोल सकते हो, वो कुछ भी करे भाई, यही है मतलब यहाँ का फितूर, और कुछ नहीं बोल सकते। मतलब बैठने के लिए अभी यहाँ तक बैठने के लिए है, इसके आगे फिर आप बैठने के लिए नहीं, मतलब वहाँ पूरा पूरा फुल पैक रहता है, दिखाता हूँ आपको। हाँ बता रहा था, यहाँ आपको गुजराती लोग ज़्यादा हैं, गुजराती और एक्टर्स लोग, क्योंकि गुजराती बहुत पैसे वाले होते हैं भाई। मैं गया हूँ काम करने, एक से एक पैसे वाले होते। यहाँ पे भी आया हूँ, यहाँ पे मेरा लगता है ये HK स्टूडियो है इधर ही, और माउंट मेरी चर्च है, आगे आगे ताज होटल है। ताज होटल भी दिखाता हूँ, इधर चलते हैं नीचे साइड, दिखाता हूँ तुमको इधर से, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। क्या मतलब पूछने की कुछ बात ही नहीं है यार, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है कि पूछो मत। ये देखो सब लोग मतलब गांव से जो भी आएंगे तो भाई ये अपना जुहू बीच और ये बांद्रा बैंड स्टैंड जरूर आएंगे यहाँ पे। अभी वो अब वर्ली सीलिंग ब्रिज था उधर पे, एक पार्क है बहुत बड़ा पार्क, वहाँ थोड़ा काम चालू है, नहीं तो वहाँ का बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था, मतलब देख लोगे तो मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। वो भी 1 महीने तक काम चलेगा वहाँ, तो भाई तो वहाँ देख लोगे तुम्हारा माइंड ही पूरा मतलब वो क्या बोलेगा, माइंड तुम्हारा अपसेट हो जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे कांड होते हैं वहाँ पे। इसके लिए मतलब क्या बोलेगा यार, मतलब कुछ भी थोड़ा भी मतलब वो नहीं बचा है आज के ज़माने में, कोई कुछ भी करेगा मतलब कुछ बोल नहीं सकते हो। चलते हैं आगे और दिखाता हूँ चल के, वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको फिर मन्नत के A to Z दिखाता हूँ आपका कितना खूबसूरत है। इसके लिए तो किंग खान बोलते हैं सर को, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, मतलब देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, मतलब कि पूछो मत, मतलब सो ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का। देखो सब लोग बैठे हैं, मतलब यहाँ आओगे ना मतलब संडे और शनिवार को बहुत गर्दी रहता है, बाकी दिन तो इतना गर्दी नहीं रहता है, क्योंकि मतलब सब लोग वर्क पे रहते हैं काम पे रहते हैं। देखो हैंड स्टैचू बहुत ज़बरदस्त, देखो सब पूरा चेयर पड़ा हुआ है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है। क्या पूछे क्या पूछने का, मतलब बहुत मतलब अभी बहुत चेंज हो गया, मतलब साल साल मतलब सब चेंज करते रहते हैं यहाँ पे।
और ये देखो पूरा छल्ली बिक रहा है, छल्ली बहुत, छल्ली की दुकान बहुत, छल्ली मिलेगा आपको, नारियल पानी मिलेगा, बहुत मिलेगा कभी भी। लेकिन समंदर में यहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे पूरा पत्थर का है समंदर, मतलब यहाँ पे रेती नहीं है। और जुहू बीच जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको रेती मिलेगा, वहाँ पे फिसलन नहीं होती है। यहाँ पे अगर जूता चप्पल कुछ भी पहन के जाओगे बहुत तगड़ा फिसलता है भाई, मतलब पूछने की बात नहीं। यहाँ पे कभी भी जाए तो मतलब हाथ में ले ले जूता चप्पल, अगर जाते हैं नीचे तो हाथ में लेके जाए, मतलब चप्पल पहन के जाए, नहीं तो फिसलोगे सीधा पानी में जाओगे और लगेगा भी, चोट भी लगेगा जबरदस्त। क्योंकि मैं भी गया था तो बहुत फिसल रहा था, नया चप्पल ऐसा था फिर भी, लेकिन तो हाथ में चप्पल पकड़ लो फिर जाओ आराम से। और वहाँ जुहू, जुहू बीच जाओगे तो वहाँ पे पूरा रेती है, मतलब पूरा बालू है वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब फिसलन नहीं होती क्योंकि वहाँ पूरा वो रहता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पूरा पत्थर है, तो बहुत ज़बरदस्त काई लगी, मतलब काई बोलते क्या बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में, बहुत काई है, रखोगे पास आराम से सीधा पानी के अंदर। इसके लिए बोलता हूँ मतलब जाना तो संभल के जाना, मतलब आओ घूमो तो घूमने तो लग लग जाए, तो दीदी लोग सब चड्डी पहन पहन के खड़े हैं, क्या बोलेगा यार। मतलब बोलते हैं सोच, लेकिन आदमी को भी सोचना चाहिए ना। अभी से केरला में है, वहाँ पे मतलब बैन कर दिया है, मतलब पहनो यार अच्छा है, लेकिन मतलब इतना भी मत मतलब करो कि क्या बोलेगा, अभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आदमी को बुरा भी लगता है। पहनो मतलब कि थोड़ा आदमी को अच्छा लगे, लेकिन क्या बोलेगा, मतलब एक जैसे अपना वेस्टर्न कल्चर था वो यहाँ अपना लिया, और इंडियन कल्चर है वो वेस्टर्न में कम अपना लिया। अभी वेस्ट अपना ब्रिटेन और अमेरिका में देखो, पूरा हरे रामा हरे कृष्णा अपना इस्कॉन का कितना वहाँ पे है, मतलब पूछो मत, मतलब तुमको पूरा साड़ी और उसमें मिलेंगे तुमको जबरदस्त, वहाँ के लेडीज मतलब कितना खूबसूरत लगता है, और वहाँ का यहाँ पे कल्चर अपना रहा है, मतलब देखो मतलब क्या बोलेगा यार, वो कुछ बोल भी नहीं सकते, क्या जबरदस्त यहाँ समंदर का नज़ारा है। देखो ये देखो पूरा जबरदस्त, पूरा पूरा यहाँ पे पत्थर का है, पूरा पत्थर का यहाँ पे देखो सब लोग। वो अभी सामने सामने कुछ ब्रिज व्रिज बनना हो साइड, वो जो दिख रहा है, और ये पूरा भी नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ चल के समंदर का। ये देखो सब सेल्फी सब लोग ले रहे हैं जबरदस्त, मतलब एक नंबर दिखता नज़ारा यहाँ का, मतलब देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। आने का कभी भी घूमने आने का, वीडियो बेशक लंबा हो गया लेकिन देखोगे समझ में आएगा। कभी भी मैं सोचा कि पूरा दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा थोड़ा बहुत में क्या है इसे। तो ये देखो पूरा इधर पे सीढ़ी बना के रखा, और ये उधर से उतरोगे ना तो उधर बहुत सारी दुकान, और इसके आगे जाओगे ना तो वहाँ से जो झोपड़पट्टी उसके अंदर से कभी मत जाना मत। वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे लोग रहते हैं ना वहाँ झोपड़पट्टी के, ज़बरदस्ती पैर पकड़ लेंगे, जब तक 1-2 रुपया नहीं, जब तक 10-20 रुपये नहीं दोगे तुम्हारा पैर छोड़ेंगे ही नहीं वो लोग। इसके लिए उधर से जाना ना तो मतलब उधर से जाओ ही मत, सीधा सीधा वहाँ से जाओ ही मत, मैं तो बोलता हूँ इधर से जाओ वो, क्योंकि बहुत भी उधर रहते तो अपना वो तो दिखाएंगे ही, क्या बोलेगा। मतलब अति सुंदर नज़ारा है यहाँ का, मतलब गांव की भाषा में बोलते हैं अति सुंदर, बहुत ही सुंदर मतलब है, मतलब क्या बोलने का। अभी चलते पानी के पास, देखो सब लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही मतलब आकर्षित करता है यहाँ पे आने के, मतलब समंदर में देखोगे तुमको खाली पानी पानी दिखेगा और कुछ दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तुमको मतलब पानी के अंदर गए तुमको कोई बचाने वाला नहीं यहाँ पे है। लेकिन जुहू ब्रिज जाओगे ना, सॉरी जुहू बीच जाओगे ना तो वहाँ पे मतलब INDRF है और मुंबई पुलिस है, ज़बरदस्त है वहाँ पे सेफ्टी। पानी की लहरें देखो इतनी ज़बरदस्त हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त लहरें हैं, मतलब पूछने गए नहीं बात की, मतलब कितनी ज़बरदस्त लहरें हैं यहाँ की, एक नंबर मतलब समंदर का नज़ारा दिखता है यहाँ से। वही मैं बोला समंदर के पास चलता हूँ पानी से, क्यों नहाया नहीं हूँ यार कभी भी, क्योंकि इसके लिए नहीं नहाया हूँ। जितना पूरा मुंबई का जितना पानी रहता है ना गटर का, पूरा बांद्रा में आता है, मतलब नहा लियो तो समझ लो पूरा, मतलब पूरा जितना संडास और जितना रहता है सब इसी में गिरा है, क्या क्या आता है भाई क्या बोलेगा अभी। और देखो लेकिन सब कपड़ा उतार करके नहाते हैं समंदर, हाँ लेकिन मतलब समंदर है लेकिन फिर भी मतलब क्या बोलेगा अभी। तो यही आया था, देखो कितनी ऊंची ऊंची लहर उठ रही, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब दिल को मतलब शांति मिलती है, क्या बोलेगा अभी। तो वही मैं बोला चलते हैं अभी, अभी दिखाता हूँ चल के आपको शाहरुख खान सर का घर पूरा A to Z, वीडियो के एंड तक बने रहें।
चैनल। अभी ये अंकल थे, ये अभी फिसल गए थे यहाँ पे, तो वो उतना क्लिप काट दिया हूँ, क्योंकि दूसरे को ठेस भी नहीं लगना चाहिए ना यार। फिर वही मतलब ज़िंदगी भर के लिए, मतलब पीढ़ी पीढ़ी के लिए चला जाएगा, तो पीढ़ी पीढ़ी के लिए हो जाएगा। देखो सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, चलता हूँ आपको दिखाता हूँ चल के। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें प्लीज़ भाई, सपोर्ट करें। आप लोग के लिए नॉलेज वाली वीडियो और ऐसे एंटरटेनमेंट की और ट्रैवलिंग की वीडियो लेके आता रहूँगा। चलते हैं आपको, ये सामने सामने अभी ये सामने मन्नत है, ये इधर बस स्टॉप भी है, सामने का नज़ारा है। ये सर सामने से ही जो इनके जो सर के मतलब फैंस हैं उनको इधर ही से हाथ दिखाते हैं। देखो इधर फोटो भी मैं डाला हूँ, ये इधर ही भी आते हैं, इधर पे खड़े होके इधर से दिखाते हैं मन। देखो सब लोग फोटो सेल्फी खींच रहे हैं। अभी अंदर का आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, कितना ज़बरदस्त है। मतलब नाम है तो भाई किंग खान है, तो इसके लिए तो घर से तो पहचान है सर की। मतलब लेकिन बहुत स्ट्रगल किए हैं सर, पूछने का नहीं। लाइफ में अगर कुछ करना तो मतलब मेहनत करना पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। मतलब ऐसा सोच के क्या नहीं हम छोड़ देंगे ये है वो। भाई सर नई दिल्ली से थे, इनके डैडी थे, कुछ होटल होटल में थे, मैनेजमेंट में कुछ तो काम करते थे वहाँ पे। ये अंदर का जैसे गेट के अंदर का नज़ारा है, अंदर का गेट के अंदर जैसे गेट खोलेंगे अंदर का नज़ारा है। तो इनके डैडी थे, वो कुछ मतलब थे, और सर मतलब मुंबई से, सॉरी दिल्ली से मुंबई आए थे, तो कोई एक फौजी सीरियल था उसमें काम किए थे, फिर कोई एक मूवी थी वहाँ से स्ट्रगल के लिए। लेकिन आज किंग खान बोलते हैं, मतलब दुबई में इनका मतलब ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये रात का नज़ारा है बिल्डिंग का, अपना सर के बिल्डिंग का, ये रात का नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है बिल्डिंग, पूछने का क्या बात है। तो वही मतलब बहुत स्ट्रगल किए हैं, लेकिन जो मेहनत करता है वो आगे सफल तो होता है। लेकिन कोई 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 अगर 20 से ही छोड़ देता तो फिर कुछ तो है नहीं। मतलब किसी चीज़ में लगोगे ना तो उससे अगर उसके पीछे हटोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। जब लगे हो तो उसमें लगे ही रहो, मतलब पीछे मत हटो। अभी अंदर का आपको और नज़ारा दिखाता हूँ, ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखो हॉल, मतलब हॉल का नज़ारा है, मतलब क्या ही भाई क्या शानदार दिखता है, पूरा गोल्ड का जैसा दिखता है, पूरा गोल्ड का जैसा एक नंबर नज़ारा दिखता है भाई, क्या पूछने का, एक नंबर नज़ारा दिखता है। मतलब पूरा ऐसा हवेली टाइम में पूरा है, इसके लिए मतलब मन्नत मन्नत है भाई। ये देखो ये हॉल देखो कितना ज़बरदस्त है, पूरा हॉल है। ये अंदर का इंटीरियर इतना ज़बरदस्त हुआ पूछो मत। ये शाहरुख खान सर की ये पूरी फैमिली है, ये अपना गौरी मैम है, और ये इनके बच्चे हैं यारन खान, ये सब लोग हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करें प्लीज़ भाई। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, और नॉलेज वाली है जो भी है, पूरा ऑल मुंबई घूमता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। चलते हैं अभी रोड के बाहर, ये रोड के बाहर का नज़ारा है। सबके लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय हिंद।